गुरु जी, आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। ये मेरा फर्स्ट शिव अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। नाम बता दें और आप कहाँ से आए हुए हैं? आई एम डॉक्टर एच एस संधू फ्रॉम अमृतसर। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ इन द ईयर 2010 में। तो उसके बाद मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर भी रहा हूँ एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का। तो पिछले 2 साल से आई एम लीडिंग ए रिटायर्ड लाइफ। तो आपसे संपर्क मेरा सिर्फ 2 महीने पहले का है। मैं वैसे ही कुंडली के बारे में जिज्ञासु था, जानने की कोशिश करता था। तो नेट पर जैसे ही ब्राउज किया तो पहले तो कोई और डॉक्टर नरेश थे कोई, उनका काफ़ी पड़ा वीडियो देखे। उसके बाद आपका नाम फ्लैश हुआ तो मैंने जो भी आपके वीडियोस थे रिलेटिंग टू कुंडलनी ध्यान योग ये जो जैसे शिविर लगे हैं तो मैंने बहुत माइन्यूटली सारा स्टडी किया, देखा, समझा। तो मुझे बहुत अल्टीमेट लगा कि हेयर इज ए महापुरुष हु इज अ रियल तपस्वी ज्ञानी महायोगी ऑन अर्थ। फ्रेंकली Within 10 days, it took me about 7-10 days to figure out के हिंदी में बोले तो सभी को समझ में आएगी। ये आपकी श्रद्धा है, मैं यही कहूँगा, ये आपकी श्रद्धा है। तो मुझे एक हफ्ता या 10 दिन लगे समझने में। तो लगा कि ऑन अर्थ आज के दिन अगर कोई महायोगी है तो ये महापुरुष हैं। मुझे किसी से पूछने का कोई जरूरत नहीं समझी। तो फिर जैसे ही आपका एक इस शिविर के बारे में वीडियो था वो भी मैंने 2-3 बार सुना तो विचार किया व्हाई नॉट गो देयर। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन करने का, आपके विचार सुनने का फेस टू फेस। तो मैं आपका बहुत बहुत भारी हूँ फ्रेंकली। मतलब कुछ ना लेते हुए आपने जो शक्तिपात किया है मैं तो हैरान हो गया हूँ। लोग तो पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ मिले, तो यहाँ पर तो आप तो गंगा भाई हुई है सभी पर। मतलब ये नहीं कोई पार्शैलिटी है किसी से कम या किसी से ज़्यादा जैसे आपने कहा है। तो आई बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सर। तो जैसे आपने कहा कि मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप हमारा मार्गदर्शक करते रहें, खुले दिल से करते रहें तो अच्छा रहेगा। जिस ग्रुप में हम हैं तो मैं चाहता हूं इस लाइन में बहुत आगे बढ़ूं और तेजी से बढ़ूं। तो कृपा करते रहिए, शिविर लगाते रहिए, इस तरह आपके दर्शन भी होते रहेंगे। मैंने तो प्लान भी किया था, आपकी कुटिया देखी है मैंने YouTube पर, तो बहुत साधारण थोड़ी आपके जिसने बनाई है तो देखी। तो मैंने प्लान किया भी मैं कानपुर जाकर आपकी कुटिया में दर्शन करेंगे फ्रेंकली। पर फिर पता लगा कि ना कोई एड्रेस है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है। तो फिर मैंने कहा भी कॉन्टैक्ट किया कैसे जाए। एनीवे जब आपका फिर इस शिविर के बारे में पता चला तो उससे फिर जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे डॉक्टर रवि कांत जी का, देन उसके बाद साहू जी का हेल्पलाइन जो दी थी आपने नितिन जी की, तो इन तीनों से मेरा संपर्क रहा हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा। तो आपका तो दान्य हो प्रभु, कोई शब्द नहीं है फ्रेंकली। वैसे मैं अभी मार्गदर्शन कर रहा हूँ, भविष्य वैसे तो कह देता हूँ साधु, हाँ मैं जानता हूँ लेकिन इस विषय में नहीं जानता।
जो ठीक है ईश्वर कराएगा करूँगा। इसके लिए कोई फॉर्मल भी कोई करना होता है मार्ग? एक तो होता है जैसे आपने संदेश दिया, कोई फॉर्मल दीक्षा भी लेनी पड़ती है? मुझे फ्रेंकली हमें इतना मैं एक ऐसा मार्गदर्शक हूँ कि मैंने आज तक किसी को दीक्षा नहीं दी है, बिना दीक्षा के ही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। साधक लोग मुझे गुरु जी कह देते हैं, ठीक है कुछ ना कुछ तो संबोधन करेंगे ही, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, किसी किसी साधक के तो उनके पिताजी से भी बड़ा हूँ, तो अपना संबोधन करते हैं, करते रहें, दीक्षा की क्या ज़रूरत, हमारा कर्तव्य है, हम अपना काम कर रहे हैं, जो संबोधन करते हैं ठीक है, अर्थात मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं है मतलब किसी भी गुरु के शिष्य हो अगर मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं या लेना चाहेंगे तो कोशिश करूँगा कि उसका मार्गदर्शन करूँ, किसी भी गुरु के शिष्य हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ शिष्य मतलब साधक हैं सिर्फ हम ही से मतलब रखते हैं, या जो साधक हमें ही गुरु या मार्गदर्शक मानते हैं उन्हीं को मार्गदर्शन करूं, ऐसा नहीं, किसी भी गुरु को हूँ, हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जैसा कि अभी मैं सभी पर शक्तिपात कर रहा हूँ, अगर किसी दूसरे गुरु का कोई ऐसा योग्य शिष्य होगा, अगर वो चाहेगा कि मेरा मार्ग आगे की ओर प्रशस्त हो, और अगर मैं भी समझूंगा कि उचित अवस्था यानी अभ्यास कर रहा, देर नहीं लगाता हूँ, लगाता नहीं ना ही लगाऊंगा, यानी आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, बता देते कि मेरे गुरु पहले वो थे, किसी कारण से या तो शरीर त्याग चुके या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा या अन्य कोई कारण, तो मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, इसमें ये नहीं देखता हूँ कि ये दूसरे के गुरु हैं क्या, मैं इन पर ध्यान नहीं देता, मेरे लिए सभी समान हैं, अगर कोई मेरी सहायता या इस तरह की मांगेंगे या और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं दूसरे को कुछ सहयोग कर सकता हूँ तो सहयोग कर देता हूँ, तो यानी दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, एक बार फिर बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.